आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में 17 जून की सुबह 8:55 पर एक मालगाड़ी ने कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से टक्कर मार दी। रेलवे के मुताबिक इस हादसे में 9 लोगों की मौत हुई जबकि 41 पैसेंजर घायल हुए। फिटनेस टेस्ट पास करने के बाद कंचनजंगा ट्रेन देर रात करीब 3:15 पर सियालदह पहुंची। हालांकि हादसे के कारण इस रूट से जाने वाली 60 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया जबकि 37 ट्रेनों का रूट डाइवर्ट कर दिया गया। उधर नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए 19 जून को इंक्वायरी करेगा। ये जांच चीफ कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी जनक गर्ग ADRM चेंबर में करेंगे। इसके लिए हादसे से जुड़े सबूतों को जांच अधिकारी के पास भेजने को कहा गया है, साथ ही कुछ लोगों को बुलाया भी गया है। NFRDRM सुरेंद्र कुमार ने कहा, सोमवार रात से लगातार बारिश हो रही थी फिर भी लाइन को बहाल करने के लिए काम जारी है, लगभग 90% काम हो चुका है। दोपहर तक दोनों ट्रैक पर ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाएगा। इसी के साथ बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।